राजकुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद अब शर्लिन चोपड़ा को लेकर आई है बेहद ही बुरी खबर सामने। दरअसल शर्लिन चोपड़ा ने भी राजकुंद्रा की तरह ही कोर्ट में अपनी जमानत याचिका पेश की थी, लेकिन कोर्ट ने शर्लिन चोपड़ा की जमानत याचिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। जी हाँ, एक्ट्रेस और मॉडल शर्लिन चोपड़ा को एक बार फिर से क्राइम ब्रांच ने बुलाया है अपना बयान दर्ज करवाने के लिए। इसके बाद से शर्लिन को अपनी गिरफ्तारी का डर सता रहा है, जिसके चलते शर्लिन चोपड़ा ने पहले ही कोर्ट में बेल की अर्जी डाल दी थी, जिसे अब कोर्ट ने ठुकरा दिया है। शर्लिन की तरफ से उनके वकील ने कोर्ट में ये दलील दी थी कि शर्लिन बस खुद का बचाव कर रही है। शर्लिन का दावा है कि साल 2019 में राजकुंद्रा बिना किसी इन्फॉर्मेशन से उनके घर पर आ गए थे और उनके साथ किस तरीके से बदतमीजी की थी, इस पर उन्होंने आरोप लगाए थे। अश्लील रैकेट केस में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने शर्लिन के अलावा मॉडल पूनम पांडे को भी नोटिस जारी किया था। कहना है कि जहां पर एक्ट्रेसेस ने इस बात का खुलासा किया था कि ऐसी फिल्म बनाने के लिए राजकुंद्रा ने उन पर दबाव बनाया था, इसी चलते अब क्राइम ब्रांच लेना चाहती है शर्लिन चोपड़ा का बयान। लेकिन अपना बयान देने से पहले शर्लिन चोपड़ा ने बेल की जमानत याचिका अपने कोर्ट में दी थी, लेकिन यहाँ पर शर्लिन चोपड़ा की इस जमानत याचिका को कोर्ट ने बुरी तरह खारिज कर दिया है और ऐसी ही जमानत याचिका को राजकुंद्रा की जमानत को भी खारिज कर दिया है। नेक्स्ट लाइट्स रश्मि की रिपोर्ट।